जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा। फिल्म देश प्रेमी के इस गाने में आपने नकली पुलिस इंस्पेक्टर का वेश धरे चोर यानी अमिताभ बच्चन के साथ सादी वर्दी में चोर का स्वांग रचने वाले असली इंस्पेक्टर की भूमिका में नवीन निश्चल को जरूर देखा होगा। बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा, कोई बात नहीं। होठों पर रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में शरारत लिए इस अभिनेता की लोकप्रियता का आलम ये था कि ये एक्टर 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक था। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह। कम लोगों को मालूम होगा कि पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल हासिल कर चुके नवीन निश्चल ने एक फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होने तक से इनकार कर दिया था। फिर गुर्बत के ऐसे दिन भी आए जब काम पाने के लिए उन्होंने उन्हीं अमिताभ बच्चन की मदद ली। उन्होंने जिस प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी से नाता तोड़ लिया उसी प्रेमिका ने उन्हें छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। हम दोनों मिलके कागज पे चिट्ठी लिखेंगे। जिस सुपरस्टार नवीन निश्चल को देखने के लिए कभी लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी उन्हीं को उनके सगे भाई ने अपने घर से निकाल दिया था और उन्हें अपनी रातें जेल में भी बितानी पड़ी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं अभिषेक आनंद। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता। हिंदी सिनेमा जगत में चढ़ते सूरज को सलाम करने और डूबते सूरज से किनारा कर लेने वालों के किस्से जब सुनाए जाते हैं तो अभिनेता नवीन निश्चल का नाम खास तौर से लिया जाता है। हाथों में किताब, बालों में गुलाब, करना है आज किसका हिसाब। 18 मार्च 1946 को लाहौर में एक बंगाली परिवार में जन्मे नवीन निश्चल की पढ़ाई बैंगलोर के मिलिट्री स्कूल से हुई थी। गोरा रंग, ऊंचा कद और तीखे नैन नक्श वाले नवीन ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और कामयाब भी रहे। 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट का प्राइमरी राउंड जीतकर फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंचे तो अपने पिता के दोस्त और तब के जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से मुलाकात की। उन्होंने नवीन को सलाह दी कि वो पुणे जाकर फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर एक्टिंग सीखे। मोहन सहगल ने कहा, जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीजें अच्छे से सीख जाओ फिर मेरे पास वापस आना। पुणे में नवीन निश्चल अपने बैच में टॉप कर गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकले। वहां से लौटने के बाद मोहन सहगल ने अपने वायदे के मुताबिक उन्हें अपनी फिल्म सावन भादो में काम दिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था और उनकी भी ये पहली फिल्म थी। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लग। सन 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले साल यानी 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें बुढ़ा मिल गया, रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार, नादान, जीवन भर ढूंढा जिसको, संसार, बस अब तरसाना छोड़ो, यूं ही शर्माना छोड़ो, जो दिल में प्यार का, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा अमृत झर झर बहता जा, और परवाना शामिल थी। वर्मा जी का खून किसने किया, कैसे हुआ, ये राज की बात नहीं है। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले एक बहुत छोटी सी भूमिका में आए थे। कहा जाता है कि नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इस कदर हावी हो गया था कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के दौरान अमिताभ के साथ फोटो सेशन करवाने से इनकार कर दिया। क्यों न शर्मा लाते अपनी गोरी गोरी भाई। अगले साल आई फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 ने भी खासा रंग जमाया। देखा मैंने देखा सपनों की एक रानी को, रूप की एक मस्तानी। सन 1973 में उनकी एक के बाद एक 6 फिल्में आईं जिनमें 2 को आज भी याद किया जाता है। पहली थी धुंध,
संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, जिसे अब तक की बेस्ट हिंदी थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जाता है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। 1973 में आई नवीन निश्चल की फिल्मों में से एक और फिल्म हंसते जख्म के गीत आज भी किशोरों और नौजवानों की जुबान पर रहते हैं। ये फिल्म देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने बनाई थी और इसमें उनकी लिव इन पार्टनर प्रिया राजवंश ने उनके अपोजिट काम किया था। प्रिया राजवंश और चेतन आनंद के रिश्तों पर हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक आई बटन में मौजूद है। मशहूर गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक गुलजार ने जब बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की तो उनकी पहली पसंद नवीन निश्चल ही थे, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया है वह पहले नवीन को ही मिलने वाला था। कोई होता जिसको अपना हम अपना कहे। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए हैं वह भी पहले नवीन निश्चल ही निभाने वाले थे। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या। दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन हैं, जिन्हें अहंकार में डूबे नवीन निश्चल बहुत छोटा कलाकार मानते थे, इसलिए उन्होंने इनमें अभिनय करने से इनकार कर दिया। जब ये फिल्में रिलीज हुई तो सुपर हिट साबित हुई, जिसका नवीन को बहुत पछतावा हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी रफ्तार से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई उतनी ही जल्दी शोहरत उन्हें छोड़कर जाने भी लगी। वजह थी साथी कलाकारों का सम्मान न करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे करना और निर्माता निर्देशकों की सलाहों को तवज्जो न देना। मौका मिलने पर नवीन पत्रकारों को भी अपमानित करते रहते थे। एक दिन वो भी आया जब मुंबई के मेट्रो थिएटर में एक फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे। अपनी लंबी गाड़ी से वह उतरे तो मीडिया वाले उनकी ओर लपके, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफरों को पता चला कि ये तो नवीन निश्चल है, उन्होंने अपने कैमरे नीचे कर लिए। नवीन निश्चल के बारे में मशहूर था कि उनकी जिंदगी में कई औरतों का प्रभाव रहा है। फिल्मों में दाखिल होने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवानंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थी। उनसे नवीन को दो बेटियां भी हुई, जिनका नाम था नौमिता और नताशा है। कहते हैं इसी रिश्ते के कारण उनका देवानंद के परिवार से करीबी रिश्ता था और इसी वजह से उन्हें चेतन आनंद ने हंसते जख्म में प्रिया राजवंश के साथ उतारा था। लेकिन जल्दी ही ये सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की चर्चित हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई थी। बात इतनी बड़ी कि वर्ष 1976 में नीलू और नवीन का तलाक हो गया, लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने एक दूसरे शादीशुदा मर्द से दोस्ती बढ़ा ली, जो थे उस दौर के मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा। नवीन की जिंदगी में इस दौरान एक और औरत आई, जिनका नाम था पिम्मा। ये एक शादीशुदा महिला थी जो दिल्ली स्थित अपने पति से दूरी बनाकर नवीन के साथ लिव इन में रहने लगी थी। कहते हैं पिम्मा जब अपने पति के पास वापस लौट गई तो नवीन ने एक और तलाकशुदा महिला गीतांजलि से शादी कर ली। सुन 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 ओ गुलाबी गली है, तेरी मेरी बात अब आके। 80 के दशक से ही नवीन निश्चल अपने भाई प्रवीण निश्चल और अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ मुंबई के खार में एक साथ रहते थे। वर्ष 2006 में फरवरी के महीने में उनके भाई प्रवीण निश्चल ने नवीन को पत्नी समेत उनके घर से बाहर निकाल दिया। इसके 3 महीने बाद ही नवीन की पत्नी गीतांजलि ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें नवीन और उनके भाई पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पुलिस ने नवीन निश्चल, उनके भाई को गिरफ्तार भी किया था। उस वक्त उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि उनकी पत्नी ही उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी और उनकी माँ से उसका लड़ना झगड़ना बना रहता था। साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला। बाद के वर्षों में नवीन निश्चल ने छोटे पर्दे यानी टीवी पर काम करना शुरू कर दिया था।
वो दूरदर्शन पर प्रसारित कई सीरियल में आए जिनमें रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, ताल में काला, फरमान चूड़ियां, आशीर्वाद आदि प्रमुख थे। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने दोस्तों निर्माता गुरदीप सिंह और अभिनेता रणधीर कपूर के साथ होली मनाने पुणे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप को गाड़ी का एसी कम करने के लिए कहा। गुरदीप के एसी कम करने के कुछ ही देर बाद नवीन को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिल्म जगत नवीन निश्चल को उनके शानदार अभिनय और विवादास्पद छवि दोनों के लिए लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। मेहनत हमारा जीवन है, हमारा जीवन मेहनत हमारा नारा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास नवीन निश्चल से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें जरूर बताएं। तो अब अपने दोस्त और होस्ट अभिषेक आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।